बोल दिया जी। मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया आपने? हरमन सिंह, छोड़ दीजिए मेरे डैड का कॉल, मैं कहता हूं छोड़िए। मैंने तो सिर्फ कॉलर पकड़ा है, अपने बाप की असलियत जानेगा ना तो तू उसे जान से मार देगा। हरमन सिंह कॉलर छोड़ो, मेरे रास्ते से हट जा। हरमन सिंह डैड है वो मेरे, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। विराट, जिन माँ बाप की तुम पूजा करते हो ना, जब सच्चाई पता चलेगी उन्हीं हाथों से उनका गला दबा दोगे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी प्यार की जान ली है, इन लोगों ने हीर को मार दिया। ये लोग हीर की मौत के गुनहगार हैं। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ विराट, करीना ने मरने से पहले हमें सच बताया। और मरते मरते सिर्फ उसने यही कहा कि हीर की जान संत बख्श परमीत और इस दलजीत ने ली है। ये गुनहगार है तुम्हारे, अरे इनकी जान ले ली इन लोगों ने। ये क्या कह रहे हैं डैड, क्या कह रहे हैं? मैं जला नहीं। खिड़की खुली थी ना, इसलिए हवा बहुत जोर से आ रही थी। मैंने खिड़की बंद कर दी है। हूं नहीं दिया बुझेगा। खिड़की बंद करने से ये तूफान नहीं था, मैं कोई अनहोनी हुई। इसकी बात का विश्वास मत कर विराट, ये सब झूठ बोल रहे हैं।
ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हीर नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गई। विराट, विराट हीर जिंदा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अरे प्रॉमिस, हम उसे ढूंढ लेंगे। विराट, तुझे लगता है तेरे माँ बाप किसी की भी जान ले सकते हैं? विराट, तुझे अपने बाप के प्यार पर शक हो सकता है, लेकिन तुझे इस बात पर तो शक नहीं है ना कि मुझे मेरी वर्दी मेरी जान से ज्यादा प्यारी है। और संत बख्श सिंह अपनी वर्दी पर दाग नहीं आने देगा। तुझे देखा था ना, गीतू के केस में मैंने खुद अर्जित पर केस बनाया और उसे अपने हाथों से जेल में डाला था। और ये दोनों इतना बड़ा इल्जाम लगाने आ गए मुझ पर, डीएसपी संत बख्श सिंह पर। कोई सबूत है और ना गवाह। गवाह? तुम्हारे गवाह ने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। विराट, करीना ने मरते मरते बिल्कुल सच कहा है कि इन तीनों ने तुम्हारी हीर को मारा है और मुझे उस गवाह पर पूरा यकीन है। बस करो, बस करो। चुप। ए, तू चुप। अरे अभी तक एक इल्जाम से निकला नहीं मैं और तुम दूसरा लगाने आ गए यहाँ पे। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी इमोशन है। ही हमारे घर की बहू है, मेरे भाई का प्यार है वो, और माना कि वो हमारी फैमिली के अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली का हिस्सा थी वो। हम कैसे मार सकते हैं उसको? ये तुमने सोचा भी कैसे? विराट, हम पर यकीन कर। मैं माता रानी के चरणों की कसम खाकर कहती हूँ, हमने तेरा प्यार नहीं छीना है। तुमने किसी की जान नहीं ली है। अरे बेशर्मो, भगवान की झूठी कसम खाते हो, वो भी तुम्हें कोई जगह नहीं देगा। बस बहुत बातें हो गई, मैं तुम्हें। अरे बस कीजिए। प्लीज प्लीज। अरे हीर नहीं मिल रही है तो आप उसको मरा हुआ समझ लेंगे क्या? अरे हम ढूंढ रहे हैं ना उसको, मिल जाएगी हीर, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं आप मेरी फैमिली पे इल्जाम लगाएंगे। क्यों हुआ? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? विराट, हीर वापस नहीं आएगी। अब नहीं आएगी वो, क्योंकि हमारे बीच में रही नहीं। अरे तुम्हारे तुम्हारे परिवार ने उसकी जान ले ली। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना उसे किस तरह से बांधा था इन लोगों ने। ठीक है, तुम्हें अपने परिवार पर अंधा विश्वास करना है ना तो करो, लेकिन हम अपने तरीके से अपनी हीर को इंसाफ दिलाएंगे। अरे हीर की गलती क्या थी जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? उसकी गलती ये थी कि उसने हिम्मत दिखाई, इस घिनौने आदमी के खिलाफ उसने आवाज उठाई। वो क्या चाहती थी जिंदगी से जानते हो तुम? सिर्फ प्यार, पति का प्यार, ससुराल वालों का प्यार, सब लोगों का प्यार चाहती थी वो। और उसे बदले में क्या मिला? मौत। ये मेरी परीक्षाई थी, मेरा गुरूर था, और मैं चाहती थी कि वो अपने अपने कर्मों में खड़ी होकर अपने अस्तित्व को अपनाए और इस दुनिया में खुली सांस से जी सके। लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने उसकी सांस ही छीन ली। उसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और इन सब लोगों ने मिलकर उसकी जिंदगी ले ली। और
देख ही नहीं पा रहे हो। लेकिन नहीं, इस जंग में अब हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे और ना ही हम उम्मीद करेंगे कि तुम हमारा साथ दो। लेकिन एक बात याद रखना, अब से मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा हीर के साथ कोई रिश्ता था। और अगर हीर को इंसाफ दिलाने के रास्ते में तुम अब मेरे सामने आए ना, तो तुम्हें भी मैं अपना दुश्मन मान बैठूंगी। इसलिए तुम अपने तरीके से हीर को ढूंढो और मैं अपने तरीके से हीर को इंसाफ दिलाऊंगी। चलिए हरमन जी, हीर के इन हत्यारों को अब सलाखों के पीछे फेंकना है। अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं लौट कर आऊंगा, और जब मैं लौट कर आऊंगा ना, तो तुम लोगों की जान लूंगा और तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगा। यह हरमन सिंह का वादा है। जी, हरमन सिंह और सोमया जी भी क्या बोल कर गए? हीर को मार डाला आप लोगों ने? क्या हुआ हीर के साथ? ये करीना मरने से पहले क्या बोल के गई? क्या कुछ जानते हैं आप इस बारे में? कोई कुछ बताएगा? हाँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी पता है किसी को? हाँ, रिजी, I'm sorry, लेकिन मैं जानता हूँ आपसे बहुत गलतियां हुई हैं। अगर हीर के साथ कुछ गलत हुआ और उसमें आपका हाथ है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। विराट, मैं सच में नहीं जानता कि हीर का है। अरे मैं क्या, यहाँ पे कोई नहीं जानता कि हीर का है। तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी, हम नहीं जानते हीर का है। अरे बच्चे नहीं है वो, और ना ही इतने बेवकूफ है कि उन्हें इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाए। मैं ना सौम्य जी को अच्छी तरीके से जानता हूं। हीर के बारे में उनकी गट फीलिंग आज तक कभी गलत नहीं हुई। लेकिन ठीक है, अभी तो सिर्फ गवाही मिली, कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हीर के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए। भाभी, आप तो जानती हैं ना कि
हीर मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। ऐसी बातें सुनकर मेरी सांसें रुक गई हैं भाभी। क्या आप कुछ जानती हैं? अगर आप कुछ भी जानती हैं ना भाभी, तो प्लीज प्लीज सच सच बता दीजिए। बाकी लोगों का नहीं पता मुझे, पर इस घर में तो मैं बस आप ही पर भरोसा करता हूं। आप जानती हैं, कुछ भी पता प्लीज बता दीजिए। कहीं जज्बातों में आके ये गुरविंदर हमारा बना बनाया खेल ना बिगाड़ दे। विराट, हीर को लेकर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होता है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि हीर के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं है। करीना के इल्जाम इसलिए सच्चे हो गए ना क्योंकि उसने मरते वक्त लगाए। अरे माँ, माँ कहाँ जा रही है? जो बात करनी है यहीं कीजिए ना। वो करीना मरते वक्त ये कह गई कि हम गुनहगार हैं और तू मान गया हम गुनहगार हैं। तो ठीक है, अब मैं यहां मर जाती हूं और मैं कहूंगी कि उस हीर के गायब होने में हमारा कोई हाथ नहीं, तो तू मान जाएगा ना? माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रुक जाइए प्लीज, वहीं रुक जा विराट, खबरदार अगर आगे आया तो। देखिए, ये शक है आपका, सब सुनने के बाद मैं ये बताता हूँ कि कानून आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कानून को सबूत चाहिए और आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि डीएसपी उसकी पत्नी और बेटे दलजीत ने हत्या की है। और ये भी सबूत नहीं है कि हीर मर चुकी है, क्योंकि उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है। फोन क्यों नहीं उठा रहा हरमन? कितनी बार फोन करूं, कहां चले जाते दोनों? बता के भी नहीं जाते, इतनी देर से कहे, फोन क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि पुलिस को ऑर्डर दे कि हीर की हत्या के केस जारी रखे, क्योंकि जब तक हीर की बॉडी नहीं मिलती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसकी हत्या हुई कि बात कुछ और है। और आप हरक सिंह के बेटे हो, इसलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इस बखेड़े में ना पड़े तो अच्छा है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और कानून के हाथ सबूत के लिए बंधे हुए हैं। कुछ होने वाला है, मेरा फोन क्यों उठा रहा? हाथ कानून के बंधे हुए हैं मेरे नहीं। हीर को इंसाफ अब मैं अपने तरीके से दिलवाऊंगी।